हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ मैथ्स। टुडे वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें पहले हमें सॉल्व करना है और उसे हमें उसका जो आंसर है रोमन नंबर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इन इज 18 टूजा। तो 18 टूजा क्या होता है हमारा 36। अब यहाँ पर हमें 36 कौन से नंबर में लिखना है, हमें रोमन न्यूमेरल्स में हमें 36 लिखना है। तो हम यहाँ पर 36 कैसे लिखेंगे, 10 10 10, 30 हो गया। और 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस। तो ये क्या हो गया हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, यहाँ पर क्या नंबर दे रखा है, ये 10 और 6, ये क्या हो गया 16 प्लस 15। 16 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 15 इक्वल टू 31। तो हमें 31 को कैसे लिखना है रोमन नंबर में, इसे हम कैसे लिखेंगे 31 को, 10 10 10, 30 और 1 के लिए 1 31। अब ये कौन सा नंबर हमारा, 96 डिवाइडेड बाय 2। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 96 को हमने 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या है हमारा, 9 4 8 1 16, मीन्स 48। क्या आया आंसर हमारा, 48। 48 को हम कैसे लिखेंगे, 40 के लिए क्या यूज़ होता है हमारा, एक्स एल, और ये क्या हो गया 40, और 8 लिखना हमें तो 1 2 3, ये क्या होगा हमारा 48। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या हमारा, यहाँ पर नंबर क्या है, 10 11 12 13। 13 माइनस 7 कितना हो गया हमारा, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। यहाँ पर 6 को कैसे लिखेंगे हम, 6। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपकी कॉपी में सॉल्व करना रहेगा। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग। इसे क्या करना है, हमें करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या लिखा है, 10 10 10 10 40। तो 40 को ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, ये रॉन्ग है, इसे हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एल, एल मीन्स क्या होता है 50 50 माइनस 10 40। यहाँ पर ये क्या है हमारा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स एल और एक्स, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है ये 5 5 10। 10 को कैसे लिख सकेंगे हम, 10 का करेक्ट फॉर्म क्या है, दिस एक्स। ओके, यहाँ पर क्या है ये 10 20 30 40 40 और 4 44, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 44 को कैसे लिखेंगे हम, एक्स एल मीन्स 40 और 4 44। ये नंबर क्या है हमारा, ये 5 6 7। 7 कैसे लिखेंगे, 5 6 7। यहाँ पर क्या है 5 6 7 8 9। तो ये रॉन्ग फॉर्म है, इसे राइट रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, 9 को हम, दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। सबसे स्मॉल नंबर रहेगा वो पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ओके, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट क्या है हमारा, ये 40, ये क्या हो गया हमारा 41, 10 10 30 31, फिर ये क्या है हमारा 22, और ये क्या है, ये 10 और 9 19। मीन्स सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है हमारा, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कौन सा नंबर आया हमारा 19, 19 के बाद क्या है हमारा 22, 22 के बाद 31, 40 एंड 41। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में लिखना हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बिगर नंबर रहता है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये 25, ये क्या हो गया हमारा 13 30, और ये क्या हो गया 29, और ये क्या है हमारा 15। तो सबसे बिगर नंबर कौन सा है हमारा इसमें, 30, मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है इसमें से हमारा 30, उसके बाद कौन सा आएगा इसमें 29, मीन्स 10 10 एंड 9 29, एंड नेक्स्ट नंबर इज 29 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, उसके बाद 20
5 means 10, then 5, 25. Then next number is 15, और उसके बाद क्या आएगा 13, means 15 and next smaller number is 13. Okay, descending order में जो सबसे largest number रहता है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद smaller, 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 smaller. Understand? ये दोनों questions आपको करना है. In each, next question is, in each pair, one is correct, write the correct numerals. इसमें से जो correct number है उसे हमें लिखना है, और इसमें से एक correct है और एक wrong है, तो जो correct number है वो हमें यहाँ पर लिखना है. देखिए यहाँ पर 10, 10, 20, 20 के बाद क्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 को ऐसे नहीं लिखते. तो करेक्ट नंबर कौन सा है हमारा 10, 10 एंड 14, 24. अंडरस्टैंड? इसमें से करेक्ट नंबर कौन सा है हमारा 10, 10, 30, और ये क्या हो गया 40, 10, तो ये रॉन्ग नंबर है. करेक्ट नंबर कौन सा है हमारा 30. नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारा नंबर, यहाँ पे इसमें से करेक्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको 10 और 9, 19, और ये रॉन्ग नंबर है हमारा, तो राइट नंबर कौन सा है 20. ओके, 19 को कैसे लिखते हैं हम 10 और 9, 19 होता है ना, कि 9 और 10, 19 होता है. ओके, फोर्थ इज यहाँ पर क्या 10, 10, 10, 40, तो 40 को कौन से फॉर्म में लिखते हैं हम एक्स एल 40. यहाँ पर क्या है एक्स सी मीन्स, ये क्या होता है सी मीन्स 100, 100 में से 10 माइनस करा तो 90, और ये 50, 60, 70, 80, 90, तो ये 90 कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम, करेक्ट फॉर्म कौन सा है हमारा एक्स सी. इसमें से 5, 6, 7, 8, 9 को हम 9 का करेक्ट फॉर्म कौन सा है हमारा, तो दिस वन इज 9 इज दिस. ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया वो आपको आपकी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना रहेगा.